डॉक्टर साहब हमने नेट पर देखकर आपकी लकोरिया की दवाई खाई, जब तक खाई तब तक ठीक रही, लेकिन जैसे ही छोड़ी फिर से लकोरिया हो गया। ये जिसने जिस बहन ने लिखा है, इसका बेहतरीन इलाज मिट्टी के बर्तन लो, सरसों का तेल मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, सरसों के तेल में खाना पकाओ, चीनी की जगह पे गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो, और पानी, ये जो टूटियों में पानी आता है मेरे भाइयों, फिल्टर का पानी नहीं, ये जो ज़मीन से पानी आता है ये पानी पियो, और पानी को उबालने के बाद मिट्टी के गड़े में रखने के बाद पियो। और ये जिस बहन ने लिखा है, ये कलवंजी और मेथी दाना इसके साथ तकरीबन कोई 15 से 20 दिन इस्तेमाल करे, और वही दवाई दोबारा से रिपीट करे, और अपने घर से हांडी सिल्वर स्टील की और नॉन स्टिक की इसको ख़त्म करे। ये सबसे ज़्यादा हमारे जिस्म को बीमार करती है, ये जो कुकिंग ऑयल है ये हमें बीमार करता है, ये जो नमक है आयोडाइज का इसको बंद करो। देखो मेरे भाइयों, हम किस चीज़ से बने हैं, मिट्टी से, तो हमारे बर्तन मिट्टी के होने चाहिए, हमारा कुकिंग ऑयल मिट्टी से निकलने वाला सरसों का तेल होना चाहिए, हमारा मीठा गुड़ मिट्टी से निकलने वाला होना चाहिए, और हमारा नमक भी कौन सा होना चाहिए, जो मिट्टी से निकलता है, जो पत्थर वाला नमक है। आज से 50 साल पहले माएँ कौन सा नमक लेती थीं, पत्थर वाला। मेरे भाइयों वही नमक इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये लकोरिया की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी।